नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, और उसके अंदर दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी। एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी और एक मोटर ट्रांसपोर्ट और MTS की पोस्ट निकाली गई थी। टोटल 677 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, और अब इस जो भर्ती का जो रिजल्ट है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जारी कर दिया गया है। बेसिक सी जानकारी मैं बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। टोटल 677 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद जो इसका जो फॉर्म था वो 10/2023 यानी कि अक्टूबर 2023 में इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवा लिया गया था। एग्ज़ाम इसका कब कंडक्ट करवाया गया था यहाँ पे बताया भी गया है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रिजल्ट अब आपका जो है वो जारी कर दिया गया है। आइए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे निकाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देख लेना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है ये, और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्ज़ाम 2023 के रिगार्डिंग ये रिजल्ट जारी किया गया है। 26/7/2024 अभी कुछ देर पहले ये रिजल्ट जारी किया गया है। इन प्रेजेंस ऑफ द स्कीम ऑफ एग्ज़ाम पब्लिश्ड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टायर वन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप हेल्ड ऑन दिसंबर 20/2023, मतलब जो इसका टायर वन था वो दिसंबर 20/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद जो टायर सेकंड एग्ज़ाम था, मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू था, कंडक्टेड करवाया गया था मई छः से लेके जून 26/2024 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। कैंडिडेट विद फॉलोइंग रोल नंबर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट और द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो नीचे जो रोल नंबर दिए गए हैं, अब आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेना, स्टेट वाइज ये लिस्ट निकाली गई है। अगरतला के अंदर UR के अंदर इतने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, SC के अंदर एक बच्चा सेलेक्ट किया गया है, ST के अंदर एक बच्चा सेलेक्ट किया गया है। उसी तरह स्टेट वाइज ये लिस्ट निकाली गई है। उसके बाद अहमदाबाद की देख लीजिएगा, अहमदाबाद के अंदर जो जर्नल के हैं ये इतने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, OBC के दो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। आइजोल की बात करें तो जर्नल का एक बच्चा सेलेक्ट किया गया है। उसी तरह हम बात करें अमृतसर की बात करें तो जर्नल के तीन बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। बेंगलुरु की बात करें तो जर्नल के अंदर इतने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, स्टेट वाइज ये जो लिस्ट निकाली गई है इससे आपको आसानी हो जाएगी अपना रोल नंबर देखने के लिए। देख लीजिएगा, चंडीगढ़ के अंदर जो UR है जर्नल के ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद चेन्नई की आप देख लेते हैं, यहाँ पे देहरादून का देख लीजिएगा, जर्नल के ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। दिल्ली IB हेडक्वार्टर की बात करें तो जर्नल के अंदर इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप देख लेना, दिल्ली के बच्चे जो भी हैं यहाँ पे UR है, ये EWS है। कैटेगरी वाइज अलग से डिफाइन किया गया है किस कैटेगरी में कितने बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं और नीचे आ जाएंगे और देख लेते हैं कौन सा जो मेन स्टेट है वो रहने वाला है। कोलकाता के अंदर आप देख लेना, जर्नल के इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे लखनऊ के अंदर, देख लीजिएगा जर्नल के अंदर 5 से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मुंबई के अंदर देख लेना, जर्नल के अंदर ये इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये स्टेट वाइज जो लिस्ट है वो निकाली गई है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं, श्रीनगर हो गया, वाराणसी हो गया। तो ये लिस्ट निकाली गई है, ये थोड़े से बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो अब आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, तो आप अपना जो रिजल्ट है वो अब चेक कर सकते हैं। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी और MT मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट निकाली गई थी 2023, 677 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई थी, उसका अब जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अपना जो लिस्ट में नाम है वो जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, रोल नंबर चेक कर मैच कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप सभी को स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से बेहद शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और हार या फिर उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये एक सिंगल एग्ज़ाम था, लाइफ में अभी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो आप अपनी पावर बनाए रखें, अपना जो मोटिवेशन है वो बनाए रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। YouTube में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।